एक बेसिक जो 18 सवाल जो बिहार के नौजवानों को जिसका जवाब का इंतजार, जो वो सवाल पूछते हैं। अमेरिका तक इसका जो है डिमांड होता है, मॉल में इसकी कीमत 200 रुपए होती है। कई राज्य जो है देश भर में, उन्होंने अपने अपने राज्यों में डोमिसाइल नीति को लागू करने का काम किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार का स्वागत है और आज का जो विषय है राष्ट्रपति, आप हम सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, जो बेरोजगारी हटाओ यात्रा जो हम लोग हर जिले वार होने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है बिहार का मुद्दा है और बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। कोरोना वायरस के चलते 31 तक इसको हम लोगों ने स्थगित करने का काम किया और लगभग 4 दिनों में हम लोगों ने बेरोजगारी यात्रा को संपन्न किया और सभी चारों जिला में भारी मजबूती के साथ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो है बिहार के नौजवानों ने दिखाने का काम किया है और भारी संख्या में नौजवान जो है उसका हिस्सा बने और हमारे अभियान का समर्थन करने का काम किया। कई जो लोग हैं अपने बायोडाटा को भी हम लोगों को देने का काम किया है नौजवानों ने, और लोगों की ये मांग थी कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। उसी सिलसिले में सभी लोगों के डिमांड पे, बिहार के नौजवानों के डिमांड पे, राष्ट्रीय जनता दल ने एक मिस्ड कॉल नंबर वो जारी किया है। वो नंबर है मिस्ड कॉल नंबर का 9334302020। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9334302020। ये मिस्ड कॉल नंबर है, बेरोजगारी हटाओ जो यात्रा है, जो अभियान है, इससे जुड़ने के लिए कोई भी जो है इस नंबर पे मिस्ड कॉल दे सकता है और मिस्ड कॉल देने के बाद उनके पास एक SMS आएगा, एक लिंक आएगा, जिस लिंक को खोल करके वो सारी डिटेल को वो भर सकेंगे और चाहे तो अपना बायोडाटा जो है उसमें अटैच कर सकेंगे और आगे चलकर के हम लोग जो है इसी को लेकर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं और वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है जो SMS जो लिंक गया है उसी लिंक के जरिए भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अभी काम चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार में लगातार जो है पलायन बढ़ रहा है। बिहार सरकार से हमें पहले भी कुछ सवाल पूछे थे जिसका जवाब हम लोगों को नहीं मिला कि बिहार सरकार ने रोजगार देने का काम किया। तो आज आप लोगों के समक्ष जो है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं लगता कि करोड़ों बिहारी जो 7 करोड़ नौजवान है, लगभग करोड़ों बिहारियों को हल्के में लिया है और बेरोजगारी के मसले पर, रोजगार दिलाने के मसले पर ये सरकार गंभीर नहीं है। हम लोगों की आशा है, उम्मीद है, जो 18 सवाल हम सरकार से पूछना चाहेंगे, लोगों की बड़ी उम्मीद रहेगी कि इस 15 साल की सरकार जो 15 साल में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया उसका जवाब जो है ये सरकार को। पहला सवाल जो है हम पूछना चाहते हैं, 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में IT कंपनियां क्यों नहीं आ सकती, IT पार्क और सेज SEZ क्यों नहीं बन सकते। दूसरा, बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज फल सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्यों नहीं लग सकते। आप देखते होंगे
अमेरिका तक इसका जो है डिमांड होता है। मॉल में इसकी कीमत 200 रुपए होती है, 200 रुपए कीमत होती है। तो हम बिहार में अगर इतनी सब्जियां, इतने फल, अनेकों चीज का उत्पादन हम लोग करते हैं, तो इसको लेकर के हम बिहार में 15 सालों में खाद प्रसंस्करण उद्योग क्यों नहीं लग सकते, ये सरकार बताने की कृपा करो। बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश जैसे मछली खरीदता है। हम लोगों ने देखा इसमें सभी बंटवारे जो भाई हैं हमारे, वो काफी धना प्रदर्शन भी इसमें किया कि आंध्र प्रदेश से जो है वो मछली आ रही है। तो बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताए कि हम बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। ये बिहार की सरकार ऐसा व्यवस्था हम लोग क्यों नहीं करते कि सरकार ही जो है वो मछुआरों से मछली खरीदे, बाजार लगाए और उनका जो उत्पादन, जो आमदनी जो है उसी हिसाब से जो है सरकार जो है पैसा देने का काम। 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाया जा सकता। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री छोटे छोटे स्केल के जितने भी इंडस्ट्री क्लस्टर वाइज जो है उसको हम लोग क्यों नहीं लगाने का काम कर सकते। तो ये बिहार सरकार 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते। बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जो है इसका उत्पादन जो है अच्छी संख्या में होता है, तो इसका उपयोग जो है हम लोग दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं भेज पाते, हम लोग जो है दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं भेज पाते। बिहार जो है कंज्यूमर स्टेट बना हुआ है, हर चीज कंज्यूम करता रहता है। बिहार के लोग जो है पलायन करते हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के बिहार का लाखों करोड़ों रुपया जो है बाहर जाता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो और इन्होंने 15 साल राज किया है तो 15 साल राज करने के बाद ऐसी व्यवस्था आखिर क्यों नहीं कराई। छठा सवाल है, 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया, बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता। यहाँ देखिएगा नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो बोले थे कि भाई उद्योग लगेगा, यहाँ एक बड़ा मीटिंग भी किया गया था, लोगों को बुलाएंगे उद्योग के लिए, आखिर उसका क्या नतीजा है और उसके बाद आखिर क्या पहल किया गया ताकि जो है बिहार में लघु उद्योग से लेकर के सारे उद्योग जो वो क्यों नहीं लग पाते, ये सरकार जवाब दो। सातवां सवाल, बिहार में पर्यटन की असीम संभावना, आप लोगों ने देखा होगा बुद्ध की धरती रही, यही जैन है, यही आप पहला विश्वविद्यालय है, सीता मैया की धरती है, आप देखे होंगे शेरशाह सूरी से लेकर के सारी व्यवस्था जो बिहार का गौरवशाली इतिहास पर्यटन को देखते हुए अगर हम लोग अगर पर्यटन की दिशा में अगर काम करें तो असीम संभावना होगी कि बिहार में पर्यटन का बढ़ावा मिले और काफी हद तक व्यवसायिकों को भी इसका फायदा होगा और बेरोजगारी दूर करने के लिए काफी छोटे मोटे जो रोजगार की जो व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। तो बिहार में पर्यटन की असीम संभावना है। 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया। अभी देखिएगा कई जो म्यूजियम बनाए गए बिहार में, ऐसी ऐसी चीजों का खोज हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं, कौन कौन से सदियों की चीजें हैं, कौन कौन से लोग जब सदियों में जो लोग जीते थे उनका जीने का जीवन का कुछ सबूत मिल रहा है, आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा, आखिर उस दिशा में भी आखिर क्या काम कर रहा है बिहार की सरकार को बताना चाहिए। आठवां, आप लोग सब लोग जानते हैं चाहे सिपाही की बहाली हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो,
सरकारी नौकरियां में लाखों पद जो है वो खाली है, उनको भरा नहीं गया। तो सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित लाखों रिक्तियों को नियुक्तियां क्यों नहीं करती? लाखों जो रिक्त पदे हैं उसकी नियुक्तियां क्यों नहीं करिए? सर ये सरकार जवाब। अब आप लोगों ने देखा होगा बीपीएससी की हालत देखते हो, कब क्या होता है किसी को नहीं पता चलता, डीले पे डीले चलता रहता, कोई नतीजा नहीं आ पाता, कोई फैसला नहीं आ पाता। अभी भी आप बीपीएससी ऑफिस के बाहर चले गए तो हजारों की संख्या में नौजवान जो है धरना प्रदर्शन देते हैं, नौकरियां नहीं तो उनकी परीक्षा समय पर नहीं होता। तो ये बड़ी जो है समस्या उत्पन्न है। तो इसका सरकार बताया कि विभिन्न विभागों में जितनी खाली पड़े थे उसको वो भरने का काम क्यों नहीं करता? नौवां सवाल, 15 वर्षों की सरकार नियुक्तियां, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं कर सकती? जो भी नियुक्तियां होती हैं देर सवेर जो भी होता है उसमें बड़ी गुंजाइश होती है कि धांधली होती है और शिकायत जो है वो होती है। लोग काफी बड़ी संख्या में हमारे पास भी आते हैं, लोग बोलते हैं भैया परीक्षा को जो है पोस्टपोन करवा दीजिए, विधानसभा में सवाल उठाइए, ये हम लोगों का जिंदगी भर हम लोगों ने मेहनत किया, पढ़ाई की, इसकी परीक्षा दी। और उसमें भी अगर देखा जाता तो क्षेत्रवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार की वजह से जो सही हकदार जो उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो इस वजह से आपने देखा होगा एक बीपीएससी के चेयरमैन जो है उनका ऑडियो भी जो है वायरल हुआ था कि रेट फिक्स कर दिया गया है, अगला इंस्पेक्टर बनोगा तो 20 लाख, डीएसपी बनोगा तो 45 लाख। तो ये जो ऑडियो जो है ये भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से अगर बीपीएससी के चेयरमैन का अगर ऑडियो आया है तो आप समझ सकते हैं कि कहां से निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो सकती है और जो काबिल है उनको रोजगार कहां से मिल सकता है। तो सरकार के लोग जो है ये कृपा करके बताने का काम। 10वां सवाल, सरकार बिहार में स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं कर? ये हम लोगों की बड़ी लंबे समय से मांग चल रही है और कई राज्य जो है देश भर में उन्होंने अपने अपने राज्यों में डोमिसाइल नीति को लागू करने का काम किया। अधिकांश राज्यों में बड़ा दुख होता है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में गणित के, विज्ञान के और अंग्रेजी के टीचर नहीं मिल पाते। बताइए गणित जहां आर्यभट्ट जन्मे जिन्होंने 0 नंबर दिया, ये तो दुर्भाग्य है कि 15 साल आप राज किया और आप जो है एक गणित का, एक अंग्रेजी के, एक विज्ञान को टीचर को आप नहीं पैदा कर सकते, बना सकते, तैयार नहीं कर सकते। अगर बिहार में अगर गणित का टीचर नहीं मिल रहा, विज्ञान का टीचर नहीं मिल रहा, अंग्रेजी का टीचर नहीं मिल रहा, उसका और कौन दोषी? दोषी केवल वही है जिन्होंने 15 साल बिहार में राज करने का काम किया और वो कहते हैं कि बिहार में इन सारी चीजों की कमी है। केरल के अंग्रेजी के टीचर जो हैं यहाँ आकर के पढ़ाते हैं, नौकरी पाते हैं, क्या केरल का, हम सुशील मोदी जी से पूछना चाहते हैं वहां की जो मदर टंग है वो क्या है? वो अंग्रेजी तो है नहीं, मलयालम है। जब वहां के लोग अंग्रेजी टीचर तैयार करके दूसरे प्रदेश भेज सकते हैं तो बिहार में हम विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के टीचर क्यों मारे? बल्कि बिहार का तो नाम है भाई, गणित में बिहारियों से कोई आगे नहीं। फिर भी अगर ऐसी भाषा अगर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं और दूसरी तरफ नौजवानों को इंसल्ट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, एक तरफ कहते हैं भाई यहाँ जो है कोई युवा सक्षम नहीं है टीचर बनने लायक अंग्रेजी का, गणित का, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप चांद पे चले जाओ, चांद पे रोजगार पा लेंगे बिहार के। सुशील मोदी जी थोड़ा गंभीरता दीजिए, आप की जो कमियां हैं अगर बिहार में विज्ञान के टीचर नहीं मिल रहे, मैथ के टीचर नहीं मिल रहे, आपके इंग्लिश के टीचर नहीं मिल रहे, आप जो है पूरी तरीके से जो है रोजगार जो है उपलब्ध नहीं करा पाते, ऊपर से जो है आप नौजवानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं,
कम से कम ऐसा काम रखिए। और हम लोगों ने तो साफ साफ जो सवाल पूछा है, ये मेरा सवाल नहीं बल्कि उन 7.5 करोड़ नौजवान युवा भाइयों का सवाल है जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने डिग्री लेकर के नौकरियों में उनको मिल नहीं पा रहा। MBA का डिग्री आपने देखा होगा विधानसभा में भी 200 पद निकला, माली में आपने देखा होगा, चपरासी में MBA किया हुआ, BTech किया हुआ नौजवान जो है वो जो है एप्लीकेशन दे रहा, उसमें भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा। तो डोमिसाइल नीति अगर लगभग जो है 90% बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिलेगा। और कई राज्यों ने, अधिकांश राज्यों ने भी किया है, विधानसभा में भी हम लोगों ने गोला जी के सवाल को उठाया, हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ भी रखा और उम्मीद था कि सरकार जो है इस पर लागू करेगी। 11वां सवाल, 15 वर्षों की सरकार बताएं आपने 15 वर्षों में कुल कितनी नौकरियां दी। साफ सवाल, और हमको नहीं लगता अगर नौकरी दी होंगे तो बताएंगे। और अभी कुछ दिन पहले सुशील मोदी जी का हमने बयान देखा, उन्होंने कहा 1000 नौकरियां दी। अरे भाई आप बताइए एग्जैक्ट संख्या बताइए, और 15 वर्षों में केवल 1000 नौकरियां और लाखों नौकरियां जो है वो रिक्त है, उसमें बहाली नहीं हो रही। और बहाली जो हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद, इसका सवाल साफ है। आप साफ, हम लोगों की उम्मीद है कि आप जवाब दीजिए कि 15 साल में कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियां का जिलावार और जातिवार आंकड़ा प्रस्तुत करे सरकार। हमारा 12वां सवाल है, 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलावार और जातिवार आंकड़ा प्रस्तुत करे। 13वां सवाल, 15 वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों ने रोजगार निबंधन कार्यालय में जाकर के पंजीकरण करा, कितने बेरोजगार नौजवानों ने निबंधन कार्यालय में जाकर के पंजीकरण करा। 14वां, 15 वर्षों में कुल कितना पलायन, 14 वर्षों में कुल कितना पलायन, बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, अगर हुआ है तो इसका कारण क्या है, ये सरकार के लोग जो है वो बताने का काम करें जो भी पलायन अगर हुआ है। 15वां सवाल, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने लगे। अब लोग तो कहते हैं यहां बिहार में सूई का भी कारखाना नहीं लगा। अब हम सरकार से, हम नहीं बल्कि बिहार के नौजवान और बिहार की जनता ये पूछ रही है कि बिहार में आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी के राज्य में 15 सालों के बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे कल कारखाने लगाएंगे। 16वां सवाल, 15 वर्षों में पहले से चालू कितनी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल एवं दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए और उससे बिहार को कुल कितने राजस्व व रोजगार के अवसरों का हानि हुआ। अगर 15 सालों में जूट मिल, शुगर मिल, पेपर मिल कितने बंद हुए, बंद हुआ तो सरकार का कितना राजस्व जो इनकम था उसका कितना क्षति हुआ, कितने रोजगार के जो अवसर थे उन मिलों में जो मजदूर जो काम करते थे कितने पैसे रोजगार जो है उनको गंवाने पड़े, कितने लोग जो है बेरोजगार हुए, इसका आंकड़ा जो है सरकार देने का काम करे। 17वां सवाल, 15 वर्षों में बिहार से कितने लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गए। इसमें हमने पहले भी आपको शुरू में जब ब्रीफ करे तो बताया था कि भाई हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बड़ी संख्या में लोग जो है पलायन करते हैं, रोजगार की तलाश में भी पलायन करते हैं, तो पढ़ाई के लिए और जो इलाज के लिए जो बाहर जाते हैं बिहार के नौजवान या जो बुजुर्ग है जो इलाज कराते, करोड़ों में हुआ, कितने करोड़ हुए। अगर यही व्यवस्था अगर बिहार में होता तो पलायन माइक
नहीं होता तो राजस्व बिहार का पैसा जो है बिहार में रहता, उससे कई अपॉर्चुनिटी जो है बिहार के वेलफेयर स्कीमों में लगाया जाता है, उसका फायदा भी होता है। बताएं 18वां और आखिरी सवाल, बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है? बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है? और हम लोगों को आशा है कि बिहार की सरकार जो है, जो सिंपल एक बेसिक जो 18 सवाल जो बिहार के नौजवानों को जिसका जवाब का इंतजार जो वो सवाल पूछ रहे हैं, उम्मीद है हम लोगों को कि सरकार जो है इन 18 सवालों का जवाब देने का काम करे और जल्द ही जो है एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होगा। उस लॉन्च के जरिए जो है काफ़ी युवा जो है ये जो आइडिया आपके पास पहुंचना है, ये सीरीज का आप क्या करेंगे, पहुंचेगी उन लोगों को आप नौकरी दिलाएंगे, नौकरी देंगे? चुनाव के बाद ही हम लोग कर सकते, लेकिन वो जितनी सीरीज सरकार से हमने कई आंकड़े पूछे, 18 सवाल हमने पूछा, उम्मीद है कि उसका जवाब मिले। और जितने लोगों को जो सीवी और डाटा जो बायोडाटा अगर आएगा तो हम लोग जो सरकार को उपलब्ध कराएंगे, उनको संख्या बताएंगे कि देखो आपका आंकड़ा और कितने बेरोजगार जो है और किन किन कारणों की वजह से भी, वो भी उस अगर लिंक पे अगर जो मिस कॉल मारेगा, SMS आएगा, लिंक खोलेगा, फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर के क्या वजह है वो भी बता सकते हैं। एक हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन को सरकार से हम लोग शेयर करेंगे, बिहार गवर्नमेंट एकदम करेंगे भाई। आपके क्या क्या इन लोगों ने जो हमको सीवी भेजा है, आप लोग रोजगार दिलाइए इनको। जवाब देने के लिए आपने सरकार को कोई टाइम बाउंड भी दिया क्या? वो तो मर्जी के मालिक है वो लोग। आप तो देखे होंगे सरकार के लोग तो इतने झूठे हैं, ये हम लोग अगर सवाल पूछते हैं, नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदारी बड़ा पद है, हम लोग विधानसभा में अगर हम कोई सवाल अगर पूछे हैं तो ऑथेंटिक होगा। अब मंगल पांडे जैसे मंत्री, झूठे मंत्री अगर खड़े होकर के झुटला देंगे और सबूत भी हमको देना पड़ रहा है, फिर भी लोग जो है नहीं मानते, तो कोई उपाय तो है नहीं। लोगों का उपाय एक ही है कि जनता इन लोगों का इलाज करे। और कोई मांझी जी का आपसे सवाल है, अमरिंदर धारी सिंह क्यों मांझी जी का सवाल है, काम करे कार्यकर्ता राज्यसभा जाए AD सिंह, ऐसा क्यों? कौन क्या सवाल पूछ रहा है आशीष भाई, इस विषय पे तो हमको बोलना नहीं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं, यही राष्ट्रीय जनता दल है, बार बार जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी तभी तो जीतन राम मांझी जी के बेटे को हम लोगों ने टिकट दिया, MLC बनाया। नीतीश कुमार से मुलाकात से भी है सर, कल सीएम से मुलाकात की उन्होंने, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी तभी तो जीतन राम मांझी जी के जो पुत्र हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटे से MLC बनाने का काम किया। और कितना टिकट NDA में मिल रहा था, हम लोगों ने तो देखिए महागठबंधन में सभी गठबंधन दलों का जितने भी हैं सब लोगों का सम्मान करते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल। एक विधानसभा का टिकट, 3 जो है लोकसभा का टिकट हम लोगों ने देने का काम। NDA कितना दे दिया, ठीक है सब लोग जो है अपनी अपनी बात को रखते हैं तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन लेकिन अगर ऐसे सवाल अगर पूछे जाए तो याद भी करना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है
उनके पुत्र को अपने कोटे से साइड होना चाहिए। मार्च का अल्टीमेटम दिया गया है सर, कह रहे हैं कि मार्च के बाद हम अपना अल्टीमेटम दिया जा रहा है सर। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर मार्च तक का अल्टीमेटम मान लीजिए दिए सर। अब आप लोगों का लगता है रुचि बिहार के बेरोजगारी हटाओ यात्रा तो हमने तो खुले मन से ये घोषणा की कि राष्ट्र के साथ की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो है बिहार के डोमिसाइल नीति को हम लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।